गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3C. फर्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द करस्पॉन्डिंग एडिशन. हमको सब्ट्रैक्शन करना है और अपने रिजल्ट को एडिशन करके उसको चेक करना है. ओके बेटा, हमने इसको कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है. 7 - 4 - 3 बोरो करेंगे, 13 - 9 - 4, 11 - 6 - 5 - 5. अब इसको चेक करेंगे तो हम जो भी रिजल्ट आया है इसको और इस वाले नंबर को ऐड कर लेंगे. 3 - 4 - 9 - 13 - 1 - 5 - 1 - 6 - 6 - 12 - 1 - 5 - 6 - 5 - 1 - 6. अब देखिए 6237 - 6237 - 6237. हमने यहाँ चेक कर लिया. सिमिलरली यू विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now come to second questions. Replace each by the correct digit in each of the following. हमको correct digit यहाँ पर put करना है. See this. अब हम 7 - यहाँ क्या आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको और ये जो digit है इसमें से इस digit को subtract करेंगे तो 7 नहीं जाएगा, borrow कर लेंगे. 17 - 8 - 9, यहाँ पर 10 - 5 - 5, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 8 - 5 - 3. ये देखिए 5 - 5 - 8, यहाँ 3 - 5 - 9. इज डेट क्लियर. सी 12 - 9 बोरो कर लेंगे, 3. 6 - 6 - 0 - 1 नहीं बोरो करेंगे. 11 - 9 - 2 - 5 - 2 - 3, तो यहाँ 3 - 2 - 6 - 9 - 2 - 9 - 0. सिमिलरली यू विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंसेस. इसको डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 463 - 9 है तो 464 कर लेते हैं -1. ओके, क्योंकि 464 में से -1 करेंगे तो 463 आ जाएगा -9. अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम इसे इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सिमिलरली इसको देखेंगे 5632. अब ये 99 को हम क्या करेंगे, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 100 में से 1 गया 99 ही आ जाएगा. अब ये भी प्लस का दोनों ऐड कर लेंगे. 5633 - 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. हमको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में डिफरेंस निकालना है. स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 - 2 - 3 - 4. डिफरेंस कर लेंगे, देखिए कॉलम वाइज अरेंज कर लिया. बोरो 10 - 9 - 1 - 9 - 9 - 0 - 9 - 9 - 0 - 9 - 9 - 0 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग इतने, नेक्स्ट डे ही विड्रॉ इतने फ्रॉम इट, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। ओके बेटा देखते हैं, डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट, तो जो भी आपका डिपॉजिट है उसमें से विड्रॉ माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस सक्सेना विड्रॉ इतने रुपीस फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, शी परचेज टीवी सेट इतने रुपीस में, रेफ्रिजरेटर इतने रुपीस में, ज्वेलरी इतने रुपीस में, तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन विद हर। तो मिसेस सक्सेना ने इतने रुपये निकाले जिसमें से उन्होंने इतने रुपये का टीवी खरीदा, इतने रुपए का रेफ्रिजरेटर खरीदा और इतने रुपए की ज्वेलरी, तो अब उनके पास कितने रुपीस बचे हैं। तो जो भी उन्होंने खर्च किया यानी टीवी खरीदी, रेफ्रिजरेटर खरीदा और ज्वेलरी, इन सबको ऐड कर लेंगे और जो टोटल निकाला है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। विड्रॉ अमाउंट इतना था, कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हर परचेजिंग हमने टोटल कर लिया, अब हमें अमाउंट लेफ्ट विद हर उसके साथ बचा।
जो अमाउंट है निकाला था उसमें से टोटल अमाउंट जो परचेज किया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1800 उसके पास लेफ्ट बचा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द होल नंबर एन वेन एन प्लस 4 इक्वल टू 9 है, हमें एन फाइंड आउट करना है तो इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 4 5। सिमिलरली एन प्लस 35 इक्वल टू 101, एन इक्वल टू 101 माइनस 35 66 आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।